गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सिमरन आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि मैं मेले से क्या लेकर आई हूँ। अब आप लोग सोचोगे मेले से, तो यस क्योंकि आए दिन यूट्यूब पे पर्पल हॉल, शीन हॉल, ये हॉल वो हॉल चलते रहता है, प्रमोशनल एक्टिविटी चलती रहती है। तो मैंने सोचा कि मैंने मेले से जो ख़रीदा है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँ, है ना। तो एक्चुअली बात ऐसी है कि उस शुरू है मैं नागपुर से, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं नागपुर से हूँ। तो ताजबाग में, अगर आपको ताजबाग पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो नागपुर में ताजबाग है और ताजबाग में उर्स शुरू है। जैसे मैंने कुछ चीज़ें बाय की, क्योंकि नॉर्मली मैं मेले में क्यों गई थी मैं वो बताती हूँ। ये जो आवाज़ आ रही है, क्योंकि मैं रात को शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा इग्नोर करना ये वॉइस को, ये नॉइज़ को, एक्चुअली ये वॉइस नहीं नॉइस है। तो ठीक है, तो मैं मेले में इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लगा मेले में तो बहुत सस्ता सस्ता सामान मिलता है, तो चलो कुछ तो भी मतलब बहुत सारा कुछ खरीद लेती हूँ। पर गाइज लास्ट टाइम मैं जब मेले में गई थी तो बहुत सस्ता सच में था, लाइक 10, 20, 30, 50, 100 रुपये तक ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल गई थी। पर इस बार मैं गई तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बाय नहीं किया। फिर भी चलो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने बाय किए ये दो आ गया, ओके ये दो पिलोज, लाइक क्यूटी से पिलो बोल सकते हैं या डेकोरेशन के लिए। तो ये दो बहुत ही क्यूट वाले बाय किए हैं। इसका प्राइस उन्होंने 150 के दो बताया था, तो मैंने उनको बार्गेन किया। वहाँ पे बार्गेनिंग वैसे तो होती नहीं है, पर मेरे भाई ने जस्ट बोल दिया कि नहीं 80 रुपये में दे दो भैया, तो उसने 80 रुपये में दे दिया ये दो और मिल गए, मतलब 40 का एक पड़ा। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैं ओके गाइस, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एवर्टीन के मेंस्ट्रुअल कप के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, हाउ टू रिमूव मेंस्ट्रुअल कप। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, ज़रूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जस्ट उस पर क्लिक करोगे और आप मेरे वीडियो पर पहुँच जाओगे। तो एवर्टीन का मेंस्ट्रुअल कप जो है वो आपको किस तरीके से हेल्प करता है, रीयूजेबल है और वो आपको 10 ईयर्स तक चलेगा विदाउट एनी लीक, और जो भी है उसके बारे में जो फर्दर इन्फॉर्मेशन है जो आप जानना चाहते हैं मेंस्ट्रुअल कप को लेके, आपके मन में जो क्वेरी है वो सारी की सारी मैंने वीडियो में बताई है, तो ज़रूर चेकआउट करना। और चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो पहली बात तो वहाँ पे इतनी सारी शॉप्स थी और मैं तो बस इयररिंग्स देख रही थी, लाइक मुझे इयररिंग्स का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं वही देख रही थी। तो सबसे पहली नहीं किया था मैंने इसको, पहले लास्ट में किया था। तो सबसे पहले इयररिंग है ये, और ये इतनी प्यारी इयररिंग्स है कि मैं क्या बताऊँ। मैं इसको वेस्टर्न में भी पहन सकती हूँ और इंडियन आउटफिट पे भी पहन सकती हूँ। और ये जो है ना मल्टी कलर नहीं है, पर ये एकदम रेनबो कलर है, तो इस पर कोई भी कलर का ड्रेस पे मैं इसको वेयर कर सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये ऐसे भी कितनी ज़्यादा शाइन कर रहा है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। लुक एट दी शाइनिंग, मतलब इतनी प्यारी शाइनिंग है इसकी। तो ये मुझे कुछ सस्ता वस्ता नहीं पड़ा, ये मुझे 100 रुपीज़ का पड़ा, और इसमें बहुत सारे कलर्स भी थे, रेड, पिंक, डार्क ब्लू, बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स थे। तो मैंने सोचा कि इसी कलर से लेने से बेहतर है कि ऐसा कुछ ले लूँ ताकि मैं सब आउटफिट पे पहन सकूँ। तो ये था जिसका 100 रुपीज़ प्राइस था, कुछ कम में नहीं मिला। उसके बाद में ये मैंने बाय किया है ये नेक पीस, और कैन यू इमेजिन लाइक ये कितने का होगा, इसका प्राइस क्या होगा। बहुत प्यारा लग रहा है ये, इसका प्राइस लाइक अगर मैं जैसे शॉप पे जाती हूँ तो मुझे पता है कि इसका प्राइस क्या होता है, वो 100 से 150 के नीचे तो इसको देते नहीं है। और इसका प्राइस है, वाह अच्छा लग रहा है, सो इसका प्राइस जस्ट 30 रुपीज़ है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो 30 रुपीज़ में मैंने इसको बाय किया है। मतलब ये नेक पीस है, चोकर टाइप है। उसके बाद में ये छोटी छोटी सी क्लिप्स मैंने लिया है, लाइक 10 रुपीज़ की, तो ये क्लिप्स लिए हैं। उसके बाद में ये मैंने ले लिया क्योंकि ये शॉप पे जो है ये लैशेस जो है, मुझे मैंने जब इसको हाथ लगाया तो ये शॉप से भी जो शॉप पे मिलती है उसके जो इसके जो लैशेस होते हैं वो
थोड़े हार्ड होते हैं, पर इसके थोड़े सॉफ्ट थे, तो मुझे लगा कि चलो इसको बाय कर लेना चाहिए। तो बड़ा ढूंढ कर मैंने ये एक लिया, क्योंकि ये एक ही थोड़ा ठीक था, बाकी सब थोड़े ऐसे इधर से टूटे हुए उधर से टूटे हुए थे। तो ये एक लिया मैंने, 10 रुपीज़ का लिया, तो ये मुझे 10 रुपीज़ में मिला। 10 रुपीज़ में सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये मैंने, तो ये 50 रुपीज़ का बेचते हैं हमारे यहाँ पे। ये नेक पीस, और इसका प्राइस मैं बताती हूँ, पहले नेक पीस दिखा देती हूँ। ये नेक पीस मैंने बाय किया, और सच में इतना ब्यूटीफुल नेक पीस है ये, इतना बहुत ही प्यारा नेकलेस है। और जब वो वहाँ पे वो जो पहना के रखते हैं ना, जिसको वो पहनी थी, तो वाह बहुत ही प्यारा लग रहा था, वो भी कितना प्यारा लग रहा है। तो ये सही में ये बहुत ही प्यारा है, और यस अब मुझे समझ गया कि इसको 2 in 1 भी पहन सकते हैं। तो ओके, तो ये नेक पीस है, और आप देख सकते हैं कि ये कितना प्यारा है, इसकी जो बनावट है बहुत प्यारी है। तो ये, और इसकी इयररिंग्स इस टाइप के हैं, इस टाइप के इयररिंग्स हैं। तो ये एक हो गया, इसका प्राइस था 200 रुपीज़। लाइक ये 200 रुपीज़ में उन्होंने दिया मुझे, क्योंकि मैंने बताया जैसे आप लोगों को कि वो लोग कुछ सस्ता वस्ता तो दे नहीं रहते, सब कुछ महंगा ही था। सो गाइस, उसके बाद में है ये इयररिंग्स, तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे मल्टी कलर है इसमें नीचे में ऐसे। और इसका जो प्राइस है वो मैं बताऊंगी, पहले आप ऐसे देख लो इसको कि कितने प्यारे लग रहे हैं। तो इसका प्राइस जस्ट 50 रुपीज़ था, और मुझे नहीं लगता कि बहुत सस्ता मिला है ये। नॉर्मली 50 रुपीज़ में कहीं भी मिल जाएगा, पर अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे ये महंगा मिल सकता है। अगर मुझे मिला ना, तो मैं उसका लिंक ज़रूर डालूँगी, आप देखना कि कितना महंगा देते हैं, पर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा लिंक। तो ये वाली इयररिंग है, और उसके बाद तो मैंने कुछ लिया ही नहीं, मतलब इतना ही लिया था मैंने, थोड़ा सा ही लिया, क्योंकि कुछ भी सस्ता नहीं था वहाँ पे, सब कुछ महंगा ही था। और ये छोटा सा वीडियो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ कि अब कुछ सस्ता नहीं रहा, सब कुछ महंगा हो गया है। और जैसे हम लोग पहले जब छोटे थे, तो हम सोचते थे कि मेले में जाके कुछ बहुत सारा सामान खरीदेंगे। अभी तो 1000 का नोट नहीं निकला है ना, सॉरी, मतलब 500 के 2 नोट तो ऐसे ही चले जाते हैं जैसे पता भी नहीं चलता है। और पहले 10-5 रुपये में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ आ जाती थी, और अब मेले में जाके कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब ऐसा सच मुझे उतनी कुछ खुशी नहीं हुई इस बार। तो बस यही मैंने बाय किया था, और ये सब एक जोक था यार, इतना सीरियस मत लेना, पर सच में पहले जैसा कुछ मज़ा नहीं रहा, मतलब मज़ा नहीं आती है मेले में। तो यही था वीडियो, यही मैंने बाय किया और आप लोगों के साथ में शेयर किया। ये कोई ऐसा प्रमोशनल हिसाब से नहीं था, और प्रमोशन करूँगी किसका, मेले का करूँगी क्या? तो बस ऐसे ही आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। इसमें क्या आप सोच सकते हो, लाइक आप ये सोच सकते हो कि हाँ यार सच में महंगा पड़ा, या फिर हाँ यार सच में सस्ता पड़ा, आप यही रेटिंग कर सकते हो नीचे में, कमेंट ज़रूर करना वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय।